हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा मोबीक्विक में जीप बैलेंस कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले मोबीक्विक ऐप को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जीप बैलेंस डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मोबीक्विक ऐप पर अगर आप KYC कंप्लीट करते हो तो कुछ जीप बैलेंस आपको यहाँ पर मिलता है। तो मुझे 2000 का जीप बैलेंस यहाँ पर मिला है। ठीक है दोस्तों, जीप बैलेंस अगर आप यूज़ करते हो तो बाद में आपको चुकाना भी पड़ता है। ठीक है तो दोस्तों, अगर आप जीप बैलेंस यूज नहीं करना चाहते हो तो आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। ठीक है तो कैसे डीएक्टिवेट करते हैं आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर जीप पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल में जो ऑप्शन है ना जीप, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको जीप बैलेंस डीएक्टिवेट करना है। ठीक है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऑटो जीप टर्न ऑन है। ठीक है तो सिंपली दोस्तों इस स्विच को अगर आप ऑफ करते हो तो आपका जीप बैलेंस डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है तो मैं दोस्तों यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जीप बैलेंस डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है तो ऐसे दोस्तों जीप बैलेंस डीएक्टिवेट करते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पे होम पेज में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2000 रुपीज यहाँ पे था तो अभी जीरो हो गया। ठीक है तो ऐसे दोस्तों जीप बैलेंस डीएक्टिवेट करते हैं। अब दोस्तों अगर फिर से एक्टिवेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको फिर से वहां पे जाकर इस स्विच को ऑन कर देना है तो यहाँ पे जीप बैलेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है तो ऐसे दोस्तों जीप बैलेंस डीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट करते हैं मोबीक्विक ऐप में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।